आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रोटीन की अगर बात करें, हम प्रोटीन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन को मेकअप करने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं या प्रोटीन के जो मोनोमर्स होते हैं, ये अमीनो एसिड कहलाते हैं। और अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से अमीनो एसिड्स की जब एक चेन बन जाती है तो हमें प्रोटीन मिलता है या पॉलीपेप्टाइड मिलता है। अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी हम 4 लेवल्स पे डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें हम कुछ नहीं देख रहे, खाली हम कह सकते हैं कि प्रोटीन के बारे में पोजिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी प्रोटीन में पहला अमीनो एसिड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, यानी कौन से अमीनो एसिड्स से ये बना हुआ है और किस सीक्वेंस में ये है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर का खाली मतलब है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि अमीनो एसिड्स का क्या सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर मौजूद है। इसके बाद में दूसरा होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रोटीन की जो चेन बन गई अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से, एक लिनियर चेन बन गई इनकी। लेकिन हमेशा तो एक लंबी चेन के फॉर्म में, एक रिजिड रॉड के फॉर्म में तो प्रोटीन नहीं होता, किसी ना किसी तरह से ये फोल्ड हो रहा होगा। ज़्यादातर हेलिक्स के फॉर्म में हमें ये मिलता है। तो किस शेप में ये फोल्डेड है, ये जो अमीनो एसिड्स की चेन है किस पैटर्न में फोल्ड हो रही है, ये इसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं। और टर्शरी स्ट्रक्चर में फर्दर यही देखते हैं कि ये हमारी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई, ये अपने ऊपर किस अरेंजमेंट में फोल्ड हुआ हुआ है या किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन की किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी में। क्योंकि एंजाइम की भी अगर हम बात करें तो प्रोटीन की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की चेन है वो किस तरह से फोल्ड होके क्या शेप बना रही है, इसी पर एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करेगी। आगे क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं, जिसमें बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोटीन अगर एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड्स का या सब यूनिट्स का बना होता है तो इन सब यूनिट्स की एक दूसरे के साथ किस तरह की अरेंजमेंट है। लेकिन हम अगर चारों लेवल्स में से बात करें कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो टर्शरी लेवल पे ही हम बात करेंगे। यानी हम देखेंगे कि ये जो हमारे अमीनो एसिड्स की चेन बनी थी, ये अपने ऊपर किस तरह से फोल्डेड है और किस तरह की शेप की फॉर्मेशन हो रही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम अपना ऑप्शन सी कर देते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।